सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। न जाने ये कौन सी जगह थी, घर था या पूरी भूल भुलैया। हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे थे। उस पर एक महिला की लगातार आते रोने से सकने की आवाज उसे बेचैन किए हुए थी। वह हड़बड़ाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में उस आवाज का पीछा करते हुए दौड़ रहा था। तभी एक अंधेरे सुनसान कमरे में उसे एक महिला सर घुटनों में दबाई हुई से सकती दिखाई पड़ती है। रोहित तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसकी सिसकने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो उस महिला को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक उसकी नींद टूट जाती है। रोहित पसीने से तरबतर होकर अपने बिस्तर पर बैठा था कि तभी उसका रूममेट रवि वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ, आज फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ यार, आज फिर वही सपना देखा। पहले तो मुझे लगता था कि सपनों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है वही सपने में दिखाई देता है। लेकिन इतने सालों से लगातार एक जैसा सपना दिखाई पड़ना, और हैरानी की बात तो ये है कि मैंने ये जगह कभी देखी ही नहीं है। फिर क्यों मुझे सपने में बार बार वही घर दिखाई पड़ता है? अब मुझे लगने लगा है जैसे ये सपना मुझसे कुछ कह रहा है। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर रवि उसे समझाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। लेकिन रोहित अब मन ही मन इस सपने की तह तक जाने का निश्चय कर चुका था। उसी रात फिर से रोहित को वही सपना आता है। रोहित आवाज का पीछा करता हुआ कमरे में पहुंचता है, और जैसे ही वो औरत के नजदीक पहुंचता है, इस बार वो अपना चेहरा ऊपर कर लेती है। वो स्त्री बला की खूबसूरत थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो पूर्णिमा का चांद। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और काले गहरे बाल देखकर रोहित मानो उसके सम्मोहन में पड़ गया था। वो बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देख रहा था, जहां से टप 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 आंसू गिर रहे थे। अचानक ही रोहित को किसी ने झकझोर दिया। उसकी आंख खुली तो सामने रवि खड़ा हुआ था। अरे यार, ये सब क्या ड्रामा है? अभी तक तो तुझे अजीबोगरीब सपने आते थे, अब तो ऐसी हरकतें करने लगा। तू नींद में अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ना जाने क्या बड़बड़ा रहा था। तेरी ऐसी हालत देख मेरी तो डर से हालत खराब हो गई, इसलिए मैंने तुझे झिंझोर कर उठा दिया। भाई देख, पीजी में अगर सेम कॉलेज भी मिल गया ना तो मैं तेरे साथ रूम शेयर नहीं करने वाला। रवि की बात सुनकर रोहित और भी गहरी सोच में पड़ गया। ना जाने ये क्या है, कौन है ये औरत? लग रहा है जैसे कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म हो गए थे। अगले दिन की ट्रेन पकड़कर रोहित अपने घर पहुंच गया। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताने लगता है। ये सब तू क्या बोल रहा है? कौन बुला रही है? क्यों बुलाएगी तुम्हें? ये सब बातें कहाँ से आ रही है तुम्हारे दिमाग में? अरे जिस मुसीबत से बचने के लिए मैं इतने साल पहले सब छोड़ आई थी, वो सब फिर से शुरू नहीं होना चाहिए। इतना कहकर सीमा हांफने लगती है। उसके हाथ कपकपाने लगे थे, पैर उसका साथ छोड़ रहे थे। घबराकर वो पास में रखी कुर्सी पर धम से बैठ जाती है। मैंने तुम्हें आईआईटी में पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तुम आकर ऐसी अनाप शनाप बातें मुझसे करो। मम्मा, कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रही हो। लगता है मेरे सारे सवालों के जवाब है आपके पास। बताओ ना मम्मा, क्या पहली है ये सब? मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ अब। You can share everything with me। मैं जानती हूँ, You are not a kid anymore। तभी तो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। बहुत लंबी कहानी है बेटा। इसकी शुरुआत तुम्हारे दादाजी से हुई थी। वे बहुत रसूखदार आदमी थे। उनका बड़ा हवेली नुमा मकान देख गांव में उनका बड़ा दबदबा हो गया था। रुपए पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक उनका व्यापार ठप हो गया। खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई और वे भारी कर्ज में डूब गए। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ऐसे विपरीत समय में उनका आना जाना एक तांत्रिक के साथ बढ़ गया। वो अपना खोया हुआ धन, व्यापार, सब जल्द से जल्द वापस पा लेना चाहते थे। वो तांत्रिक भी तुम्हारे दादाजी को तंत्र मंत्र के टोटके सिखाने लगा। धीरे धीरे तुम्हारे दादाजी ने तंत्र मंत्र जादू टोना करने में सिद्धि प्राप्त कर ली। एक दिन दादाजी के गुरुजी ने उनसे पूछा, डायन के बारे में क्या जानते हो? डायन तो एक काल्पनिक चरित्र है,
मेरे ख्याल से डायन वायन कुछ नहीं होती, सब मनगढ़ंत बातें हैं। दादाजी की बात सुनकर उनके गुरुजी हंसने लगे, फिर उन्होंने बताया। अमावस्या की रात 12 बजने के बाद शमशान भूमि से लगे पीपल पेड़ के नीचे एक डायन तपस्या करने आएगी। अगर यकीन ना हो तो जाकर देख लेना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, डायन की शक्तियां बहुत तेज होती है, अगर उसे काबू में कर लो तो वो तुम्हें राजा बना सकती है, किंतु वो होती बहुत खतरनाक है। डायन की शक्तियां ऐसी होती है कि क्षण भर में हरे पेड़ को सुखा दे, इसलिए ध्यान रखना कि तुम उसकी नजर में ना आ पाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने गुरु से डायन के बारे में सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब तो वो किसी भी तरह अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। तंत्र मंत्र की शिक्षा लेने के बाद वो इतने निडर हो गए थे कि उनके मन में डर नाम मात्र का भी नहीं बचा था। उस रात तकरीबन 1 बजे बाऊजी शमशान की ओर बढ़ गए। वहां जाकर उन्होंने गर्म राख लेकर एक कपड़े में भरकर गांठ लगा दी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा वहां सचमुच एक सुंदर सी स्त्री तपस्या में लीन बैठी है। उन्होंने आव देखा न ताव, झट से कैंची लेकर उसकी चोटी काटी और राख से भरे कपड़े में लपेटकर वहां से तुरंत भाग लिए। तपस्या भंग होने के डर से उस समय डायन ने बाऊजी को जाने दिया। डायन की कटी हुई चोटी लेकर बाऊजी पहले घर आए और फिर अपना कुछ तंत्र मंत्र का सामान लेकर तुरंत खेतों की तरफ दौड़ पड़े। उसी रात को बाऊजी ने अपने गुरु के बताए अनुसार तंत्र विधि से पहले उस चोटी को शमशान की राख सहित एक बक्से में बंद किया और उसके बाद अपने रक्त की कुछ बूंदे उस पर डालकर विधि संपन्न करने के बाद उसे खेत में ही गाड़ दिया। डायन की शक्तियां एक हद तक उस चोटी में ही होती है। जिसके पास भी वो चोटी होती है, डायन उसके अधीन हो जाती है। बाऊजी ने उस बक्से को अभिमंत्रित कर दिया था। अब डायन चाहकर भी उसे छू नहीं सकती थी। बाऊजी को तो जैसे चिराग का जिन्न मिल गया था। अब वे अपने टोटकों की मदद से अमावस्या की रात में जो भी मांगते वो उनको प्राप्त हो जाता। हमारे घर में पहले से भी अधिक धन दौलत के ढेर लग गए थे। ये सब करते करते अब बाऊजी कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मनहूसियत दिखाई पड़ने लगी थी। उनके हाव भाव, पहनावा, यहाँ तक कि हरकतें भी डरावनी लगने लगी थी। एक रोज बाऊजी आधी रात को घर से निकले लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। ना जाने कितने ही दिनों तक तुम्हारे पापा उन्हें खोजते रहे, लेकिन जब उनका कोई सुराग ना मिला तो सबने उन्हें मृत मान लिया। तुम्हारे दादाजी के अलावा कोई नहीं जानता था कि उन्होंने वो चोटी कहाँ छिपाई है, तुम्हारे पापा भी नहीं। बाऊजी के जाने के बाद सब कुछ शांत सा हो गया था। दादाजी के लापता होने के कुछ 2-3 साल बाद की बात है। तुम्हारे पिताजी आधी रात गए किसी काम से लौट रहे थे। उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था। जंगल के रास्ते से लौटते हुए अचानक उनका स्कूटर खराब हो गया। काफी दूर तक स्कूटर को घसीटने के बाद अब वो बुरी तरह थक गए थे। उस जमाने में चोरी का इतना डर नहीं होता था, सो उन्होंने अपना स्कूटर वहीं छोड़ दिया और पैदल ही लौटने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। इतनी रात गए सुनसान जंगल में लड़की की आवाज सुनकर तुम्हारे पापा को लगा शायद कोई लड़की मुसीबत में है। वो दौड़ते हुए आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो एक सुंदर औरत उन्हें दिखाई पड़ी। न जाने उस औरत ने क्या जादू किया कि तुम्हारे पापा उसे अपने साथ लेकर घर लौट आए। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। ऐसा रूप रंग की अप्सरा भी शर्मा जाए। अभी जिद किए बैठे थे कि वो अब इसी लड़की के साथ रहेंगे। घर में छोटे बड़े किसी की भी बात सुनने को वो राजी नहीं थे। और वो लड़की, उसके तो मानो मुंह पर ताला लगा था। अगर उससे कुछ भी पूछते तो बस पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगती। उसी दिन अभी ने सिंदूर लगाकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। अभी शादीशुदा थे। मैं उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो जैसे पत्थर हो गए थे। वो लड़की भी घर में ही मेहमान कक्ष में अभी के साथ रहने लगी। मैं तो उसी पल घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे रोक लिया।
कुछ दिन बीते तो मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारे जन्म से कुछ दिन पहले माँ जी ने घर में पूजा रखवाई थी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हमारे घर में हुआ था, कहीं ना कहीं वो अब माँ को डरा रहा था। पहले बाऊजी का यूं तांत्रिक बन जाना, फिर उनका लापता होना, उसके बाद अभी का दूसरी शादी करना, और शादी के बाद से अजीब बर्ताव करना, जैसे वो किसी को पहचानते ही ना हो। मुझसे अब माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा अगर मैं अभी को माफ कर दूं तो शायद वो माँ से बात करने लगे। इसलिए पूजा के दिन मैं आउट हाउस में उन दोनों को पूजा के लिए निमंत्रण देने गई। जिस समय मैं उनके कमरे में पहुंची, वहां का नजारा देखकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो लड़की ना जाने क्या तंत्र मंत्र कर रही थी। अभी जमीन पर बेहोश पड़े थे। अभी के पास में सिंदूर, नारियल और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था। उनके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। वो नजारा देखकर मैं चीख कर वहां से भागी तो वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी। उस दिन पहली बार मैंने देखा कि उसके पैर हमारे पैरों जैसे नहीं थे। कैसे पैर थे उसके? बोलो ना माँ, क्या देखा आपने? उल्टे पैर थे उसके। औरत नहीं, डायन थी वो। डायन जिसने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।